की दाल, दाल के बड़े बनाने के लिए। ये इधर है मीठे के लिए आटा और दूध का घोल बनाया है मीठे गुलगुले बनाने के लिए, तो ये संक्रांति पे माने यहाँ स्पेशल होता है। ये है पीणी, घेवर अभी लाएंगे और उसके बाद खाएंगे, और गुलगुले पकौड़ी बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें मसाले बन मिला के दाल के बड़े बनाऊंगी। ये मैं दाल पीस रही हूँ, उसकी आवाज़ है। और ये मेरे बन गए हैं गुलगुले बड़े, पकोड़ी, घेवर। तो बेसन के नहीं बनाए, सिर्फ दाल के और मीठे बनाए। घर पे गेस्ट, मैं बनाऊंगी खीर, उसी की कर रही तैयारी। मंगाया मैंने दूध, तो पहले दूध को गर्म करूंगी, खीर बनाऊंगी, सब्जी आलू गोभी मटर की टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, रोटी मिर्ची चटनी। देखते क्या क्या बन पाता है, कोशिश करती जल्दी से जल्दी करने की, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। इस पतीली में दूध को चढ़ाऊंगी, चावल खीर के लिए मैंने भिगो दिए हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। एक्चुअली मैं आज मेरी बुआ सास, उनके बेटे बहू आ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि संक्रांति पे मामा ससुर और मामी सास, इनके नेक होते हैं, वो सोने का नाटक करते हैं। खैर पहले तो सुबह उठाते थे, लेकिन उनको जगाने का, तो वही जगाने आ रहे हैं, तो सबके लिए खाना भी तो बनाना है, इसी के लिए तैयारी। ये मैं कर रही हूँ मम्मी जी का नेक, सीढ़ियाँ उतारने का नेक होता है, जिसे ऊपर ही ऊपर की सीढ़ी पे जाके खड़े हो जाते हैं, वहाँ से उनको मैं हर एक सीढ़ी पे पैसे रखते जाऊँगी और वो उसको उठाते हुए आएंगे, और नीचे आने के बाद उनको पैर छू के साड़ी मतलब बेस दिया जाएगा, उस पर पैसे घेर पीनी दिया जाएगा। तो वही मैं नेक कर रही हूँ उनका। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब नेकचार किए जाते हैं तो घर परिवार के मोहल्ले की लेडीज़ को बुलाया जाता है, वो सब गीत वगैरह गाती है, और मैं नेकचार करूँगी। और ये मम्मी का नेक करने के बाद मैंने इन सब को भी पैसे और मिठाई दिए हैं पैर छू के। हमारे यहाँ क्या होता है कि सास ननद जेठानी इनको खाली हाथ पैर नहीं छुए जाते, पैसे दे के ही पैर छुए जाते हैं इनके। और ये मेरी जो बुआ सास की बेटे बहू वगैरह आए थे, तो ये पापा जी का नेक कर रहे हैं, उनको जगाने का नेक करने के बाद ये कपड़े मिठाई नारियल वही घेरे टापड़े बन गए। और ये अब ये चाचा ससुर जी के नेकचार कर रही है, इधर पापा जी का करा, उसके बाद इधर चाचा जी का कर रहे हैं नेकचार उनके घर की तरफ। ज़्यादा सबका रिकॉर्ड नहीं कर पाई, थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाई थी, उतना किया है मैंने। और ये है मेरी देवरानी, इन बच्चों का नेक करते हुए, क्योंकि इनके जेठूते जेठूती वगैरह लगते हैं ना, तो जेठ के जो बच्चे होते हैं और ननद के जो बच्चे होते हैं उनका किया जाता है, तो इसके जेठ के बच्चे, इसलिए सबको ये तिलक लगा के। पॉकेट भरने की रस्म होती है, मतलब बच्चों को चॉकलेट मिठाई मूँगफली बादाम ड्राई फ्रूट्स रेवड़ी मतलब ऐसे ये सब दिए जाते हैं, तो ये सब बच्चों को तिलक लगा के उनको दे दीजिए। ये मैं वैद्य को कह रही हूँ कि ये रख लो अपना खाने में। और ये मेरी देवरानी भी रही अपनी सास का, मेरी चाचा सास का मेरे करियर को सीरियस से उतारने वाला ही नहीं, हम दोनों ने डिसाइड करा था कि हम मेरा नहीं कर देते हैं उनका, घर मैंने कर दिया और घर ये देवरानी नहीं कर दिया। और ये है वैदिक और मेरे देवर का बेटा सुधांशु, दोनों गले मिल रहे हैं, तो हम इनका ही फोटो वीडियो बना रहे थे। तो यही था संक्रांति के नेकचार, और बाकी का वीडियो जो पतंग वगैरह का है वो अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा,
लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री श्याम।